हेलो बच्चों, इस बार सीबीएसई की तरफ से आ रही एक दौड़ती भागती हुई न्यूज कि सीबीएसई लॉन्च करने वाली है दो तरीके के सैंपल पेपर्स। जी हाँ, एट दिस टाइम जब एंड हो रहा होता है सेशन तो सीबीएसई अपने सैंपल पेपर्स लॉन्च करती है, पर इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि वो दो सैंपल पेपर्स लॉन्च करेंगी। दो कौन से? एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। यानी कि अगर ओमाइक्रॉन का बोलबाला है, अगर ओमाइक्रॉन की जो कंडीशन है वो नहीं ठीक होती तो सीबीएसई अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से जाएगी आगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एसर्शन टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। पर विद इन केस अगर आपकी कंडीशन सुधरती है तो सीबीएसई साथ ही साथ उसी टाइम लॉन्च करने वाली होगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, यानी कि सब्जेक्टिव सैंपल पेपर्स। सब्जेक्टिव सैंपल पेपर्स का मतलब है उसके अंदर सारे क्वेश्चन 2 से 5 मार्क का होगा, 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और सीबीएसई ने यह भी बताया है कि जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने वाले क्वेश्चन होंगे, तो वो तो हम तब देख पाएंगे जब एक बार सैंपल पेपर लॉन्च हो जाए। पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टेड होंगे आपकी रियल लाइफ बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर, और जो पिछली बार केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे तो मुझे लगता है कि वहां पर कुछ होने वाला है। तो ये दो सैंपल्स पेपर के लिए हमको रेडी रहना है और दोनों सैंपल पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। मिलते हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच, सी यू।